बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मोहम्मद आमिर हियर। और आज के इस दिलचस्प टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्कॉर्पियन वीनम के बारे में। बिच्छू, उसकी जहर के बारे में हम पढ़ेंगे। बिच्छू को जी हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इन्हें उर्दू में बिच्छू कहते हैं। पश्तो टोन के अंदर हम इसे लड़म कहते हैं और हम सराइकी टोन में इसे हम बठू कहते हैं। ये भी एक क्रिएचर है, जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सांप के बारे में डिस्कस किया था, सेम ये भी एक क्रिएचर है, ठीक। और डिफरेंस जगहों पे ये एग्जिस्ट करते हैं। वैसे अगर देखा जाए ज्यादातर ये हमारे पास जेरी क्रिएचर है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बिच्छू की स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, ठीक। अगर वैसे देखा जाए दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर 2000 तक लगभग इनकी अकसाम अनवा स्पीशीज दरियाफ्त की जा चुकी है, जिनमें से 30 या 40 स्पीशीज जो हैं वो हाईली विनोमस हैं, मींस वो इंसान को डसती हैं, डंग मारती हैं, या इंसान को या दूसरे जितने भी जानदार हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो मेजर स्कॉर्पियन पढ़ाए जाते हैं या जो आज तक डिस्कवर या दरियाफ्त हो चुके हैं वो अप्रोक्सीमेटली 12 हैं, 12 हैं। एम्परर स्कॉर्पियन, रेड क्लॉ स्कॉर्पियन, रेड स्कॉर्पियन, एरिजोनल बार्क स्कॉर्पियन, फॉरेस्ट स्कॉर्पियन, उसके बाद थ्री स्ट्राइप स्कॉर्पियन होता है, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन होता है, ब्लू स्कॉर्पियन भी होता है, सूडो स्कॉर्पियन भी होता है, टेल लेस वीप स्कॉर्पियन भी होता है, फैट टेल स्कॉर्पियन भी होता है, एरिजोना हैरी स्कॉर्पियन, मीन्स 12 अनवा अकसाम डिस्कवर की जा चुकी है। अगर आप जनरल स्ट्रक्चर को देखें, इस स्कॉर्पियन के जनरल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमारा जेरबेस टॉपिक है वो इसकी टेल है, इसकी टेल। इसके टेल में सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम पार्ट्स बोलते हैं, पांच सेगमेंट होते हैं, पांच। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, ये 4 और ये 5। यहां इसके पांचवें सेगमेंट के अंदर के पांचवें सेगमेंट में जहर या वीनम प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स वदूद होते हैं, जो के स्कॉर्पियन की बॉडी में जहर प्रोड्यूस करते हैं, और यहां पे फैंग की तरह स्टिंग होता है, ये जो दूसरे जानवरों को बाइट करता है। सांप के अगर हम इसे, इसका अगर हम सांप से कंपैरिजन करें तो सांप की निस्बत इसका जो स्टिंग होता है, इसका पेन ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 24 से 48 तक, 24 से 48 आवर्स तक इसका दर्द रह सकता है, ठीक। और अगर किसी को स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया है, नंबर वन, यू विल फॉल इन स्वेटिंग, हाइपर एनेस्थीजिया, रेडनेस, आपकी स्किन, जिस्म वो रेड हो जाएगा, सेकुलेटरी कोलैप्स, मींस आपका जो निजाम दौरान खून है वो सुस्त हो जाएगा, मानित पड़ जाएगा, और बच्चों के अंदर पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है। उसके बाद रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, आपकी सांस दब जाएगी या आपकी सांस आपको लेने में तकलीफ होगी, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस की तरह। हाइपॉक्सिया है, सांस लेने में दिक्कत पेश आएगी। हेडेक, सर दर्द हो सकता है, गिडीनेस, आपका दिमाग चकरा सकता है, सर चकरा सकता है। उसके बाद सेलिवेशन, मैक्सिमम सलाइवा की, थूक की प्रोडक्शन होगी, न्यूरोजेनिक शॉक भी आपको हो सकता है, नौसिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और दुनिया का सबसे खतरनाक स्कॉर्पियन जो डिस्कवर किया गया, दैट इज नोन एज रेड स्कॉर्पियन, जिसकी जहर के अंदर कार्डियोटॉक्सिन होता है, जो कि आपके हार्ट को, आपके कल्ब को, दिल को इफेक्ट कर सकता है, इवन बंदे की डेथ भी हो सकती है। अब अगर यहां पे क्वेश्चन उठाया जाए कि सांप और अगर स्कॉर्पियन का हम आपस में कंपैरिजन करें तो विच वन इज मोर विनोमस, स्कॉर्पियन ज्यादा विनोमस है, लेकिन स्कॉर्पियन से बंदे की डेथ नहीं होती। रीजन इज दैट स्कॉर्पियन के इंजेक्ट करने से जो विनम की अमाउंट हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है वो सांप की निस्बत एज कम्पेयर्ड टू दैट ऑफ स्नेक बहुत कम होती है। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द चांसेस आर दैट कि वो बंदा, उसकी डेथ नहीं होती जिसे स्कॉर्पियन ने काटा होता है, ठीक। पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तान में लगभग 15 स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी हैं, दरियाफ्त की जा चुकी हैं, जो के पाकिस्तान में मुख्तलिफ रीजन में पाई जाती हैं। और इवन मौजूदा रिसर्च ने यह भी बताया है कि इसी स्कॉर्पियन की जो वीनम है, जो इनकी जहर है,
उसको इवन ट्यूमर के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए और बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। स्कॉर्पियन की जो स्टडी है, वो ये बताती है कि अभी तक रिसेंट रिसर्च ने ये बताया है कि इसका मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है, पार्टिकुलरली इसका इसके वीनम का। और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जो भी जितनी जहां रिसर्च हो, मजीद इसके बेनिफिट्स सामने आए, जहां इसके नुकसान भी हैं वहां एरिक्नोलॉजी की गार्डिंग, जो कि स्कॉर्पियन की स्टडी है, एरिक्नोलॉजी की गार्डिंग के ये इतना यूजफुल, बेनिफिशियल या मुफीद, फायदेमंद ये वीनम प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको बहुत सारे ट्यूमर्स, कैंसर और इवन बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। बी होपफुल के यहां तक आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी द बेस्ट वेट एवर यू आर। अल्लाह हाफिज़।